कहा जाता है कि जब कोई इंसान अपनी लगन, एकाग्र लक्ष्य और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ जब कोई काम करता है तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जब परिस्थितियां आपके विपरीत हों और आपको कोई उम्मीद की किरण न दिख रही हो तो इंसान को धैर्य और सब्र नहीं खोना चाहिए, बल्कि लगातार सफलता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। आज की कहानी कुंवर सचदेव नामक एक ऐसे व्यक्ति की है जिन्होंने बिना किसी डिग्री डिप्लोमा के एक छोटी सी दुकान से अपने बिजनेस की शुरुआत की और आज तकरीबन 90 देशों तक अपनी कंपनी को पहुंचाकर एक प्रेरणादायक सफलता हासिल की है। सचदेव की सुकैम की सफलता की कहानी मेक इन इंडिया का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन उनकी सफलता का रास्ता आसान नहीं था। जब कुंवर सचदेव 10वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उस समय वो अपने भाई के साथ घर घर जाकर पेन बेचा करते थे ताकि अपनी पढ़ाई और अपना खर्चा खुद चला सकें। ऐसी परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने कभी भी आर्थिक परिस्थितियों को अपनी सफलता के बीच में नहीं आने दिया। उसके बाद उन्होंने टीवी केबल का काम शुरू किया जहां वो घर घर जाकर टीवी केबल लगाया करते थे। काफी संघर्षों के बाद उस काम से उन्होंने 10,000 रुपए इकट्ठा किए और लोगों के घरों में टीवी केबल लगाते समय एक खोजकर्ता के रूप में उन्होंने जल्द ही भारत के पावर बैकअप इंडस्ट्री के विकास और उनकी जरूरतों को भाप लिया था, जिसके बाद 1998 में उन्होंने सुकैम पावर सिस्टम की स्थापना करने के लिए केबल टीवी के बिजनेस को बंद करने का फैसला किया। लेकिन उन्हें इस क्षेत्र में ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुछ इंजीनियर्स को अपने साथ जोड़ा और एक छोटे स्तर पर एक छोटी सी दुकान से इन्वर्टर बनाने का काम शुरू किया। काफी लोगों ने उन्हें रोका भी, यहाँ तक उनके साथ काम करने वाले इंजीनियर्स ने भी, कि तुम्हें इस बिजनेस की कोई समझ नहीं है, इसलिए तुम इसमें सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे और बहुत जल्द इंजीनियरों की मदद से काफी अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर मार्केट में लाए और सौभाग्यवश लोगों ने उन्हें पसंद भी किया। सन 2000 में एक बच्चे को इन्वर्टर से करंट लगने की घटना से उन्हें बहुत दुख हुआ, जिसके बाद उन्होंने प्लास्टिक के बॉडी वाले इन्वर्टर बनाने का फैसला किया और विश्व के पहले प्लास्टिक बॉडी इन्वर्टर का श्रेय अपने नाम किया और उनके इस आविष्कार को इंडिया टुडे ने इनोवेशन ऑफ द डिकेड का भी नाम दिया। कुंवर अपनी उपलब्धियों से कभी संतुष्ट नहीं थे और उन्हें हमेशा नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने की भूख लगी रहती है। कुंवर को कई बार लगता था कि यदि वर्तमान में सभी इलेक्ट्रॉनिक्स टच स्क्रीन और वाईफाई से जुड़े हैं तो होम यूपीएस क्यों नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यूपीएस की टेक्नोलॉजी में बदलाव किए और अपना पहला टच स्क्रीन यूपीएस लॉन्च किया जिसमें वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध है। आज सुकैम इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है और इसे भारत की सबसे विकसित और तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री में से एक माना जाता है। यह कंपनी तेजी से विकसित होने वाली टॉप 500 कंपनियों की सूची में भी शामिल है और इसके साथ ही अफ्रीका और नेपाल जैसे देशों में सुकैम को कई अवार्ड भी मिले हैं और वहाँ के लोग चीनी और अमेरिकन जैसी कंपनियों की तुलना में इस मेड इन इंडिया ब्रांड पर ज्यादा भरोसा करते हैं। कुंवर सचदेव का मानना है कि बिजनेस स्कूल की पढ़ाई से कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, इसके लिए मार्केट की जानकारी होना जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि विदेशों में जो बिजनेस का कोर्स होता है उसमें मार्केट एक्सपीरियंस मांगा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ रैंक देखा जाता है। एक अच्छा बिजनेसमैन वही है जो इंडिपेंडेंट हो और जिसके लिए आपको अपने व्यापार का जिम्मेदार खुद होना होगा। हमारे देश के युवाओं की खासियत है कि यहाँ लोगों के पास आइडिया तो बहुत हैं, लेकिन वह उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, वजह उनके पास कोई विजन नहीं होता। कुंवर बताते हैं कि मेरे पास कई बच्चे आते हैं जिनके पास व्यापार से जुड़े कई आइडिया होते हैं, लेकिन वह पैसे न होने का रोना रोते हैं, जिस पर मैं उन्हें कोई सुझाव नहीं देता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो पैसे कमाएं और अपना व्यापार स्थापित करें। अगर लगन होगी तो वह अपना व्यापार स्थापित करेंगे और यही लगन उनको आगे लेकर जाएगी। अगर आपके अंदर भी वो लगन और सफल होने का जज्बा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती।